तो चलिए बच्चों, हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो सब्जेक्ट तो हम लोगों ने जाना क्या क्या बनता है। सब्जेक्ट में हम लोगों ने नाउन के बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बेसिक से है, बहुत कम उसका वॉचिंग टाइम है कि आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का है, तो आपको ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करना, ज़्यादा देखेंगे और उससे भी डीप हम लोग लेकर के आएंगे। लेकिन हम लोग ओवरव्यू की बात कर रहे हैं अभी। ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो नाउन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होती है, तो वर्ब के बारे में डिस्कस करें। वर्ब क्या होती है, तो सबसे पहले तो वर्ब का जो वजूद है ना, ये वर्ब किसके लिए आता है, ये सब्जेक्ट के लिए आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा। और ये वर्ब क्या रहेगा, ये भी डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पे। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो ये वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। और अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ये वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या होता है, ग्रामर के हिसाब से चलें तो वर्ब हमारे पास बहुत सारी होती हैं। नॉन फिनाइट्स होती हैं, फिनाइट्स वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं और मार्जिनली वर्ब्स होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी वर्ब को सिर्फ दो तरह का देखते हैं, बेसिक की तरफ चल रहे हैं। एक तो हमारे पास आता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक आता है हमारे पास मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मेन वर्ब, तो मेन वर्ब भी वही है, सिंगुलर और प्लूरल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें तो इसकी जो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड होती है मतलब ये सीमित होती हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, एज का होता है आर, वज का होता है वर। रुचि थोड़ा जूम कर देना इसमें, थोड़ा सा जूम कर देना। उसके बाद आगे चलें, हैज़ का होता है हैव। उसके बाद आगे करें डज, डज का होता है डू। तो ये जो हमारे पास वर्ब है ना, ये फिक्स्ड होती हैं इतनी। इनके अलावा कुछ और वर्ब्स होती हैं, जैसे मैं बात करूँ डिड और हैड की। डिड और हैड की, ये दो डिड और हैड क्या होती हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं। मतलब सिंगुलर भी डिड होगा और इसी का डिड का प्लूरल भी डिड होगा, और इस हैड का भी वही सिंगुलर होगा और प्लूरल भी हैड ही होगा। और ये जो है इस हिसाब से चलते हैं, इसका आर, वस का वर। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर तब आएगा जब वहाँ पे प्लूरल की बात हमें लगानी होगी, या वर कब आएगा जब हमें प्लूरल की बात करनी है, और ये हैज़ कब आएगा जब बात होगी सिंगुलर सब्जेक्ट की या सिंगुलर वर्ब की। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इनके अलावा एक और वर्ब होती है हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं एम। अब एम का क्या केस है जी, एम वहाँ आता है जहाँ आई आता है। कहाँ आता है, जहाँ आई आता है, वो भी प्रेजेंट के केसेस में। हम लोगों ने देखा एम वो आई के साथ आएगा। अच्छा, आई के साथ वर्ज भी आता है, आई के साथ हैव भी आ सकता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट के बात में। जब प्रेजेंट टेंस की हम लोग बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम ले लेगा। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है और ये इतनी ही होती हैं, इनके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होती, तो हम लोग इनको फिक्स्ड मानेंगे। और मेन वर्ब की बात करें अगर, तो मेन वर्ब का क्या है, मेन वर्ब होती हैं, सर इधर थोड़ा सा जूम कर लेना। मेन वर्ब्स की बात करें तो मेन वर्ब होता है एक ऐसा वर्ड जो एक्शन के होने को दिखाता है, एक्शन रिलेटेड वर्ड्स, या फिर डूइंग वर्ड आप इसे कह सकते हैं, डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड मतलब क्या करेगा वो, कुछ डू का मतलब होता है करना, और डूइंग मतलब कोई ऐसा पर्सन, नाउन और प्रोनाउन होगा, जो उस एक्शन को कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इस मेन वर्ब को समझने के लिए मैं एक हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप ज़रा उसको पहचानना। हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा, मैं खाना खाता हूँ। ये हिंदी में एक सेंटेंस है। अच्छा, ये मैं जो है इससे कुछ एक्शन का पता नहीं चला, ये खाना खाना और खाता हूँ। अब ये खाना ना एक्चुअली ये फूड हो गया, तो ये खाना से पता नहीं चला कि खाने का क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं खाने क्या करता हूँ, खा रहा हूँ, तो ये ईट का बात कर रहा है। अब हूँ से भी कुछ पता नहीं चला,
इसका मतलब जो एक्शन वाला वर्ड है वो ईट है। एक और सेंटेंस मैं ले रहा हूँ कि मैं गाना सुनता हूँ। अब देखना, हूँ से तो कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, ये गाना से भी कुछ पता नहीं चला कि गाने के साथ क्या हो रहा है, मैं के साथ भी कुछ पता नहीं चला कि ये मैं से क्या बात कर रहा है। लेकिन अगर सुनने की बात करें तो इसका मतलब ये जो काम हो रहा है ये कुछ सुनने से रिलेटेड हो रहा है, ये खाने से रिलेटेड हो रहा है। अब मैं इन्हीं को क्या करता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ जी। मैं इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, आई एम ईटिंग द फूड, या फिर आई ईट द फूड हम लोग कर लेते हैं इसको, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब हमारी नहीं आएगी। ये आई तो हो गया हमारा प्रोनाउन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है आई प्रोनाउन होता है। अब द तो आर्टिकल हो गया, इससे तो कुछ पता नहीं चला है। फूड हमारा नाउन हो गया जी। अब बचा क्या, ईट। ये ईट का मतलब खाना है और यही हमारी वर्ब हो गई। और ये किस तरह की वर्ब है, ये डूइंग वर्ड है, ऐसा वर्ड है जिसके कुछ, जिससे कुछ होने का पता चलता है, डूइंग वर्ड। अब ये कितनी है, ये तो फिक्स्ड है जो हम लोगों ने लिखी। ये मेन वर्ब कितनी है, ये मेन वर्ब बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी में मैं क्या करता हूँ, कुछ का एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बहुत सारी वर्ब में से कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा यहाँ पे प्ले, मान लीजिए मैंने लिखा ईट, और मान लीजिए मैंने लिखा स्लीप। बस तीन वर्ब का एग्जांपल देख ले। कितने मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए। अच्छा, प्ले ईट और स्लीप का बात करें तो प्ले हमारी मेन वर्ब है, प्ले का मतलब खेलना, और ईट का मतलब खाना, और स्लीप का मतलब सोना। अब ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनके, जिनका मीनिंग जो है कुछ ना कुछ निकल करके आता है और उससे कुछ एक्शन का पता चलता है, ठीक है जी। अब इनको प्लुरल और सिंगुलर कैसे बनाएं, बड़े बच्चों को प्रॉब्लम आता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो प्ले है ना, ये प्लुरल वर्ब है, ये ईट हमारी प्लुरल वर्ब है, और ये स्लीप हमारी प्लुरल वर्ब है। अब इस प्ले को कैसे सिंगुलर बनाएंगे, हम लोग करना पड़ेगा प्लेज। ईट को कैसे सिंगुलर बनाएंगे, हमें करना पड़ेगा ईट्स। और स्लीप को कैसे सिंगुलर बनाएंगे, हमें करना पड़ेगा स्लीप्स। अब आप देखना, एस लगा करके यहाँ पे ये सिंगुलर बन गए, और एस जब हटाएंगे तो ये प्लुरल बन गए। तो ये हम लोगों ने मेन वर्ब के कुछ एग्जांपल देखे। ऐसी बहुत सारी मेन वर्ब्स होती हैं, इनफिनाइट मेन वर्ब्स हैं। अब ये तो फिक्स्ड हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब फिक्स है। अब नाउन और वर्ब में थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नाउन और वर्ब में अंतर क्या होता है, और थोड़ा समझेंगे कि नाउन का जब प्लुरल बनाते हैं तो वो एस लगा करके बनाते हैं, और वर्ब का सिंगुलर एस हटा करके और एस लगा करके बनता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमने ऑक्सिलरी और मेन वर्ब की बात करी, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में क्या आते हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बड़ा इन्फॉर्मेटिव, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।